लूंगा और सुनेंगे वही फाइव, फॉलो वही करेंगे 5%, लेस देन 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक इस वीडियो को देखिए। मैं बोलूंगा सुनेंगे वही, जस्ट 5%, स्टैटिस्टिक्स का नियम है ये, जस्ट 5% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और डेफिनेशन भी सुनिए, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। और हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, जैसा कि कहा जाता है, और जस्ट 4.2% लोग ही हेल्दी लिविंग। इनको कोई क्रोनिक कंडीशंस नहीं है, एज पर रिसर्च ये रिपोर्ट कहती है। टफ होता है ना डेली रूटीन को पिक करना, फॉलो करना, 120 seconds टू टाइम्स ब्रशिंग करना, एटलीस्ट वंस अ डे फ्लॉसिंग करना। पता है आपको प्रॉक्सिमल केरीज नहीं होती है अगर हम वंस अ डे फ्लॉसिंग करते हैं। अगर बच्चे की एज 6 to 17 years है तो एटलीस्ट 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज करना, नहीं कर पाते पुशअप्स रोप स्किपिंग करना। टफ होता है अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना और इसीलिए 95% लोग नहीं हो पाएंगे सक्सेसफुल, 5% लोगों को ही सक्सेस मिल पाती है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं मिलेगी, मैंने बस इतना कहा कि 95% लोग इस ब्रैकेट में नहीं आएंगे। सो आर यू रेडी टू बी इंक्लूडेड इन दिस 5% एलीट ग्रुप? तैयार हैं आप इस 5% ग्रुप में आने के लिए, टू नो अबाउट द हेल्थ वेल बींग बट ऑल्सो अबाउट द फोनेटिक्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन? यू हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है डेली रूटीन को फॉलो करना, 120 seconds टू टाइम्स ब्रशिंग करना, एटलीस्ट वंस अ डे फ्लॉसिंग करना। 6 to 17 years एज ग्रुप में अगर आप हैं, एटलीस्ट 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज करना, नहीं कर पा रहे पुशअप तो रोप स्किप करना, टफ है, मोनोटोनस है, और इसीलिए 95% लोग सक्सेसफुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं होंगे सक्सेसफुल, मैंने ये कहा 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। तो आर यू प्रिपेयर्ड टू बी इंक्लूडेड इन दिस एलीट ग्रुप? क्या आप तैयार हैं इस ग्रुप में आने के लिए? टफ होता है फॉलो करना डेली रूटीन्स को, प्रिपेयर करना और फिर उनको फॉलो करते हुए। हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ। जस्ट 4.3% पीपल 188 countries में ये रिसर्च आई, वो हेल्दी हैं, इनको क्रोनिक कंडीशंस नहीं है, दे आर सक्सेसफुल। जस्ट अंडर 5% लोग ही सक्सेसफुल इसीलिए हो पाते हैं। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग किड्स फोनेटिक्स राइम्स ओरल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।